आज अली के दादी के किचन में मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भुर्ता। इसके लिए टमाटर और ये बैंगन और ये हरी प्याज, फिर अपने ये सूखे मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक, ये मसाले अपने। थोड़ा तेल लगा के इसको आटे से थोड़ा ये करेंगे। इसको थोड़ा तेल लगाएंगे बैंगन को अच्छे से, फिर हम देंगे घुमा घुमा के अच्छे से भून लेंगे इसको। अब इसको साफ करके बारीक काट के लेंगे इसको। हरी प्याज को एकदम बारीक काट करके लेंगे। ये बैंगन को साफ करें छिलका ऊपर का। अब इसको थोड़ा काटेंगे, उसे देखना पड़ता है ना कि अंदर क्या है, कैसा है, गर्म है, कभी कभी अंदर कीड़ा वीड़ा भी होता है बैंगन में। बैंगन को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। अब इसको मैश करेंगे। अब ये भुट्टे को बघारेंगे हम। इसमें सबसे पहले जीरा, फिर ये हरी प्याज, इसको थोड़ा अच्छी तरह से नरम होने देना प्याज को या हरी प्याज को। इसमें लहसुन अदरक नहीं जाता है बैंगन के भुड़ते में। और इसमें डालेंगे टमाटर, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, नमक अपने हिसाब से, लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा वाला है ये। ये थोड़ा एक 2 मिनट भून लेंगे इसको। ये हमारे 2 मिनट हो गए। इसमें डालेंगे अभी बैंगन, करी हूँ मैं। इसमें भी थोड़ा होगा मैश, थोड़ा पकेगा इसमें भी। और उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें कोथमीर भी डालने का है, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा, आप लोग जरूर डालना। ढक के 5-6 मिनट पकाने का मीडियम चूल्हे पे बनाएंगे। इसमें डाल दूं नमक, ये बाजरी काटा है, नमक डाल दूं, फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूं मैं, बोल इसमें थोड़ी सी तेल डालती हूँ, फिर इसको हम पानी के साथ मिला लेंगे। गवारी की बाजरी की रोटी ऐसे बनाने का, हम लोग ऐसा बनाते हैं। रोटी में पानी लगाते ऊपर से।
ये बैंगन का भुर्ता तैयार है हमारा, ये बाजरे की रोटी के साथ। और ये ठंडी में खाना बहुत अच्छा रहता है, बाजरे की रोटी और बैंगन का भुर्ता। आप लोग जरूर ट्राई करना। बाजरे की रोटी और बैंगन का भुर्ता और दही थोड़ा उसके साथ खाना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जरूर ट्राई करना बाजरे की रोटी और बैंगन का भुर्ता। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और जरूर जरूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।